वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल में थे, यहां के जमुई मैदान में उनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि नरोत्तम मिश्रा विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। जी हां, नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग उन पर तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। वही विपक्षी भी इस पर खूब मजे लेते हुए प्रतिक्रिया दे रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो इस वीडियो में दिख रहा है वह भाजपा के अंदर की सच्चाई है कि एक दूसरे से लोग कितने नफरत करते हैं। दरअसल अमित शाह से पहले मंच पर सीएम शिवराज संबोधन के लिए जा रहे थे। जैसे शिवराज माइक की ओर आगे बढ़े, पीछे बैठे प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया खड़े होकर ताली बजाने लगे। जब भदौरिया ताली बजा रहे थे तो उनके बगल में बैठे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अरविंद भदौरिया का कुर्ता पकड़कर कुर्सी पर नीचे बिठा दिया। यह पूरी घटना मीडिया के कैमरों में कैद हो गई और देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी बात को लेकर विपक्ष बीजेपी और नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साध रहा है और सवाल उठा रहा है। वहीं नरोत्तम मिश्रा से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल बंद था। वहीं इस पे कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सजूला ने ट्वीट करते लिखा, यह है भाजपा की अंतर्कलह की सच्चाई, कितनी नफरत है एक दूसरे से। मामा जी के सम्मान में सहकारिता मंत्री खड़े हुए तो गृह मंत्री ने कुर्ता खींचकर बिठा दिया, खुद खड़े हुए और ना किसी को खड़े होने देंगे, खेला जारी है। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जनबुरी मैदान में कार्यक्रम खत्म करने के बाद भोपाल में रोड शो किया। इस रोड शो में कश्मीरी पंडितों, मुस्लिम महिलाओं और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर उनके काफिले पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। शाह का दो किलोमीटर लंबा रोड शो शाम को यहां कृष्णा प्रमाणी मंदिर से शुरू हुआ और प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर समाप्त हुआ। कार्यक्रम के दौरान शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे और आज वही शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली आ रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की तमाम ताज़ा खबर जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।